यहाँ की लकड़ी ला रखी थी तोड़ कर जंगल में थे, सुबह सुबह चूल्हा चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी, फिर रोटी बनाई, एक लंबी लकड़ी लगा रखी थी चूल्हे में और वो बीच तक थोथी थी, ओलो थी अंदर से, और सही होगी लकड़ी लगा के आग जला दी, सारी सब्जी बना ली, रोटी बना ली। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, कुछ रोशनी में दिखने लग गया बहुत कुछ। पहले तो थोड़ा थोड़ा रोशनी में स्टार्ट किया था, फिर अच्छी रोशनी होगी तो क्या देखा उसने, वह लकड़ी जलती जलती सामने आ ली थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट शेष थी। अब धर्मदास जी क्या देखते हैं कि उस लकड़ी, वह जो थोथी लकड़ी थी, उसके अंदर से चींटियां मुख में अंडे लेकर और बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, आगे से अग्नि में चटक मटक हो रही हैं, पीछे भागने की चेष्टा कर रही हैं, कुछ तो लकड़ी के अंदर से धुआं आ रहा, उससे मर रही हैं, बाहर जाने का रास्ता नहीं क्योंकि उसके पिछले एंड पर, लकड़ी के पिछले तिरछे कटे हुए एंड पर, अंत पर, सिरे पर एक तरल पदार्थ उबल रहा होता है, जो लकड़ी थोड़ी सी गीली होती है, अब उधर से उसके ऊपर गिरती है, चटक मटक होकर जल रही है। अब धर्मदास जी ने सोचा ये तो भाई इतनी लंबी लकड़ी थी, यानी कम से कम 2.5-3 फुट की, और इसमें ना जाने कितनी चींटियां थी होंगी, है भगवान सारी ये जल गई इसमें, तो इनके अंडे बच्चे भी जल गए, पूरा नष्ट नाश हो गया, एकदम काँप गया भक्त और बहुत पछता, एकदम लकड़ी पर पानी डाला, बुझा दी अग्नि, जितनी रोटी बनी थी उतनी ही रख ली। अब सोचा कि ये तो सब पाप का आहार हो गया, मैं नहीं खाऊंगा इसको, आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी संत को खिला दूंगा, मुझे पाप नहीं लगेगा। इस उद्देश्य से उस सारी भात को उठाकर, उस सारे भोजन को लेकर थाली में रखकर चल पड़ा किसी संत की तलाश में। परमेश्वर कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब परमात्मा ने, परमेश्वर ने एक संत रूप धारण कर लिया, जैसे हिंदू धर्म के प्राणी श्रद्धालु जिसको संत मानते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, एक लाल सा कपड़ा लपेट रखा हो शरीर पर, इस प्रकार की वेशभूषा वाले को हम साधु मानते हैं। यही रूप बनाकर परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक संत बैठा है, उसको प्रणाम किया, सामने वो थाल रख दिया भोजन का और कहा महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। आप परमेश्वर ने रूप बदल रखा था, धर्मदास जी पहचान नहीं सके। परमेश्वर ने कहा कि हाँ धर्मदास मुझे भूख लगी है भाई, रख दे भोजन खाऊंगा। अब धर्मदास जी एक बार सतर्क हुए, कहने लगे इन मेरे नाम से कैसे परिचित हैं, फिर सोचा मैं बड़ा सेठ हूँ, भंडारे करता रहता हूँ, ये कहीं आया होगा मेरे वहाँ, मुझे जानता होगा। अब परमात्मा ने क्या किया, अपने पास एक करमंडल रखा हुआ था, एक करमंडल लोटा जल का कबीर जी की दे, और उस लोटे में तो जल लेकर के एक मंत्र बोला, मन मन में बुदबुदाया और छिट्टे मार दिए सारी उस पर, रोटियां पर और दाल पर, सब्जी पर, वो सारी की सारी रोटियों की और उस भात की सब्जी की चीटी बन गई और सारी थाली काली होगी, नो गुच्छे के गुच्छे पड़े उसमें, और अंडे लेकर थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो जिंदा के रूप में बात करी थी पहले दिन, और कहा रे धर्मदास के कह रहा था तू, हम जीव इंसानी करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, ऐसे पाप के भोजन को तू मुझे खिलाने आया था। जब उसने देखा है तो वो ही महाराज जी है, चरण पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया, हे भगवान मुझे माफ कर दो, हे परमात्मा आपकी एक एक बात सच्ची है, मुझ अपराधी का कोई पाप आगे अड़ गया जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया, मेरे उस अज्ञान ने परमात्मा
मेरे अभिमान ने आपसे मुझे दूर कर दिया, अब जो तुम बताओगे मैं सारी सुनूंगा, मुझे एक बार फिर ज्ञान सुना दो। फिर परमात्मा ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने धर्मदास जी को वो सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि धर्मदास, अब मैं तुझको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने के पश्चात तेरी आत्मा आप गदगद हो जाएगी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। के परमात्मा ने कहा कि जिस तुम भगवानों को तुम परमात्मा मान बैठे हो, इनसे अलग है वो पूर्ण परमात्मा, और उसी का संदेशा लेकर मैं आया हूँ। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। परमात्मा कहते अब मैं तुझे तीनों देवताओं की जन्म पत्री बताता हूं, इनका कैसे जन्म हुआ। परमात्मा ने सबसे पहले धर्मदास जी से एक प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब धर्मदास जी कहने लगे, भगवान हमने नहीं पता, ना आज तक किसी ने हमें बताया, आप ही दया करो, आप बताओ। तो परमात्मा कहते हैं, ले सुन ले, या राम कहानी बताता हूं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। धर्मदास, ये सारा संसार विचलित है, कोई भी इस निर्वाण पद से परिचित नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूं, और यही कथा तू सबको सुनाना जो तेरे निकट आवे, लेकिन मानेंगे नहीं जल्दी सी, फिर भी ये कथा सुनाना। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग भेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाण्या। आदि राम का, उस सनातन परम ब्रह्म का किसी ने भेद नहीं जाण्या, परम अक्षर ब्रह्म का। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला अमर भगवान, उसको बहुत कोई बिरला ही जानता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो सुन के तुरंत मान जाएगा प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख सुने तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक श्रद्धालु के लिए होता है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, ये साहिब मेरा करो उबारा, टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंध छुड़वाए, सतलोक में कीना दुराचारी, ही काल निरंजन दी ननकारी, माया समेत दिया भगाई, सोलह संख कोस दूरी पर आई,
अष्टंगी और काल अवदोई, मंद कर्म से गए बिगोई। आप परमात्मा बता रहे हैं कि वहां सतलोक के अंदर सबसे पहले तो 16 पुत्रों की सृष्टि की, फिर वहां द्वीप बनाए, एक एक को रहने के लिए दिया, उसके बाद इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, उसके बाद दुर्गा की, माया की उत्पत्ति की, फिर हमारी सब की उत्पत्ति उस मुनि में से एक माया की उत्पत्ति की। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। इस धर्मराय भी कहते हैं इस काल को, सर्वब्रह्म को, सर्वब्रह्म को, सर्वपुरुष को धर्मराय कहते हैं। ये कहता है कि मैं सत का राज करूंगा और धर्म का राज करूंगा, न्यायाधीश न्याय करूंगा, और इस लोक में न्याय नाम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यायाधीश कहलाता है। इसने अपना एक न्यायाधीश भी अलग से डिपूट कर रखा है धर्मराज, और ये स्वयं भी धर्मराय की सुप्रीम जज की पावर इसके अपने पास भी रखता है। धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए इस ज्योति निरंजन सर्वपुरुष इस काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग सब धोखा खावे। इस काल के तीनों पुत्र इस काल के इस एक ब्रह्मांड के ढमढमे ने चला रहे हैं। इस काल को तीन लोकों की विशेष आवश्यकता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, क्योंकि इन इन तीनों लोकों में इसके आहार हैं। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को यह नित आहार करता है, और 1,25,000 यानी 25,000% एक्स्ट्रा डेली उत्पन्न करता है, ऐसा इसको श्राप लगा हुआ है। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। कहते हैं उस परमात्मा के बारे में कौन जान सकता है, तो सबको भ्रमित किए हुए है, सब उल्टे ज्ञान से रंगवा रखे हैं झूठे संत गुरु भेज भेज के। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। ये अपने तीन लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन अपने तीनों पुत्रों को इनका इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर दिया, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तम गुण युक्त शंकर जी को, और स्वयं ये जा बैठा एक अपने अलग ब्रह्मांड के लास्ट में। वहाँ कोई नहीं जा सकता, ना ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु जा सकता, ना दुर्गा जा सकती, वो अपनी ही रजा से किसी को वहाँ ले जा सकता है। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना, अलख निरंजन सुन ठिकाणा, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं, आखिर में इनको भी ये काल नहीं मिला, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए किसी साधक को तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में देता है। तो भोली आत्माएं इन ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्रों को ही ये सुप्रीम पावर मान बैठे हैं। ऐसे साधक साधना करते हैं वेदानुसार, और उनको विष्णु रूप या ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, अपना ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दिए, जिस कारण से सभी भ्रमित हो रहे हैं। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। बटपार माने ठग, ये काल जो है बड़ा ठग है, और तीन लोक के जीवों को ये आहार कर रहा है, खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना छोड़ता, इनको भी खाता है ये, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। आप श्रीमद देवी भागवत में आंखों देखा, तीसरे स्कंद 123 पृष्ठ पे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए।